अस्सलाम वालेकुम नासीन, आवाज न्यूज में भली कार माया का जाला ब्रो सब हम पे रहे हैं नजर हेडलाइंस पे। कोरोना वायरस में मुब्तला मुराद अली शाह बुखार चवन है तो डॉक्टर की हिदायत से पान के आइसोलेट किया है। हल्को बुखार है, बाकी तबियत बेहतर है, एहतियात क्या पो। नतीजन मूजिब पीटीआई 8 सीटू खटे वरतू। पीपल्स पार्टी 5 नवाज लीग 2 एमडब्ल्यू जो एक उम्मीदवार कामयाब। 7 सीटू आजाद उम्मीदवार माने वरतूँ। पीपी अगवान अगूणे वे वजीर सैयद मेहदी शाह के शिकस्त। पीटीआई उम्मीदवार राजा मोहम्मद जकिया 5,290 वोट खड़ी कामयाब। पीपी उम्मीदवार सैयद मेहदी शाह 4,114 वोट खड़ी सके। सजे गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली शफाफ चूडू थी। आवाम मर्जी से वोट कास्ट कयो, कुछ सियासी जमायतों जा सरबराह शक पैदा करना चाहन था। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे तो चूडन बाबत गैर जिम्मेवाराना बयान दियण का पासो कमिशन कमीशन से राबतो करें। जै फॉर्म से नतीजो ठहंदो है उन समूरन पोलिंग एजेंसियों सही थियल चूंडुन में असाजे अंदाजे का वधिक मानुन वोट कास्ट कया। बरसात में बर्फबारी सबब मुतासर थियल कुछ वक्त लगदो। मुल्क में कोरोना वायरस जा मानुन मथा हमला जारी आहन। कोरोना वायरस वधिक 19 जनन का हयातू खसे वरतू। एनसीओसी गुजल 24 कलाकन दौरान 2,128 केस जाहिर थिया। जैखा पोए मरीजन जो अंग वधी 3,59,030 तई मरीज वायरस के शिकस्त रही सेहतियाब। हुकूमत अज भी एम क्यू एम के जिंदा रखी वेठी है। 2016 में मुतहदा की रास से लागापन बाबत बुधायो हो। 2000 में खालिद मकबूल भारत में रास से मिली पाकिस्तान खिलाफ गालायो। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे तो खालिद मकबूल पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़े भारतीय पासपोर्ट से अमरीका वो। एक चवाए तो गिलगित के आवाम तब्दीली के हक में वोट नो है। बदउनवानी जो खात्मो कानून की हुकुमरानी वजीर आजम जो मिशन है। पीडीएम जो मकसद लुटियल दौलत जो तहफुज करना है। सिंधा कोर्ट में अगूणे सूबे वजीर जियाउल हसन लंजार बियन खिलाफ आमदनी का वधिक असासन वाले केस की बुधणी। जियाउल हसन लंजार बियन जवाबदारन की जमानत में वाद नेब सखर पारा जांच मुकम्मल न करण ते जो हुकुम दे छो। ने प्रोसिक्यूटर अदालत में बयान दींदे चवाए तो जवाबदार की जांच मुकम्मल करे हेडक्वार्टर मोकली हुई। हेडक्वार्टर बीहर जांच से एतराज वारा अदालत जियाउल हसन लंजार बियन जवाबदार खिलाफ 24 दिसंबर तीन अग भराई रिपोर्ट तलब। वजारत पारा जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल की कीमत में 1.71 रुपये कीमत में 1.79 रुपये 79 पैसा फी लीटर लात का नई कीमत 101 रुपया
43 पैसा फी लीटर मुकरर। गासलेट की कीमत 65 रुपया 29 पैसा फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 62 रुपया 86 सिंध के बेटन बियन वसीलन के कब्जे खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी के सद से रीजेंट प्लाजा का गवर्नर हाउस तीन रैली कढ़ी वही। रैली जलसे में तब्दील एसयूपी जेस्कम सिंध तरक्की पसंद पार्टी अवामी तहरीक बियन जमायतन की शिरकत मुख्तलिफ इलाक में वे अंग में कारकुन मुहाना तोड़े हर तबके से वास्तो रखड़ मू वे अंग में शरीक थे। सैयद जलाल महमूद शाह डॉक्टर कादर मक्सी सनान कुरेशी रसूल बख्श खासकेली राशिद महमूद सुमरो रियाज चांडियो जो चवण है तो सिंध के अवाम सिंध दुश्मन फैसलन के रद्द कर छो है। असा वफाक के चिताव दियण चाहूँ ता सिंध के निंदण को न समझो वे सिंध सुजाग थी चुकी है सदारती ऑर्डिनेंस वापस वरतो वे बी सूरत माँ वो सलूक बंद करे कराची सिंध की दिल है सिंध डां मेरी अख से दिसंदड़न खिलाफ सिंध जो बचो बचो सख्त मुजाहमत करने लाए तैयार है। पनवाकिल में पुलिस के मुबैना मुकाबले में डोहारी गुलाम मुस्तफा कोराई के जख्मी हालत में गिरफ्तार करने की दावा एक फरार पुलिस चवण है तो गिरफ्तार डोहारी चोरी फुर बियन वारदातों में घुर्बल है जल्द फरार थियल जवाबदार के भी गिरफ्तार किया वो।